आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा ने विवेचनाओं की समीक्षा की। लंबित विवेचनाएं होने पर दरोगा व थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगाते हुए विवेचनाओं को अति शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। मंगलवार को दोपहर बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा दल बल के साथ थाना कलान पहुंचे। थाने के निरीक्षण कर कर्मचारियों की से समस्याएं सुनी। इसके बाद अर्दली रूम में विवेचनाओं की समीक्षा भी की। लंबित विवेचनाओं व कई घटनाओं का अनावरण न होने पर एसपी का पारा हाई हो गया और एसपी ने नाराजगी जाहिर करते हुए दरोगाओं व थाना प्रभारी अनंत राम राव को कड़ी फटकार लगाते हुए समयावधि के अंदर विवेचनाओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि विवेचनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने और मुलजिमों को निकालने का काम करने वाले दरोगाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समयावधि के अंदर लंबित विवेचनाओं का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। इसमें अगर विवेचक लापरवाही बरतेगा तो उसके विरुद्ध विभागीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उप निरीक्षक लखन लाल को चेतावनी देते हुए यदि लंबित विवेचनाओं को पूरा नहीं किया तो उनके विरुद्ध निलंबित की कार्रवाई की जाएगी। थाने पर एसपी ने पीड़ितों की समस्याएं भी सुनी। वहीं मृतक संजय गुप्ता उर्फ संजू प्रकरण में एसएचओ को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच कर ही पत्रकारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करें। इस प्रकरण में उन्होंने निष्पक्ष जांच के निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने उक्त प्रकरण के घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सीओ ब्रह्मापाल सिंह, थाना प्रभारी अनंत राम राव, उप निरीक्षक मोहम्मद आरिफ, लखन लाल, जगमोहन पांडे, सुरेश चंद्र आदि मौजूद रहे।